हेलो डियर स्टूडेंट, आज जो रिएक्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें हमें मिथाइल अल्कोहल से एसिटिक एसिड को ऑब्टेन करना है। तो हम एसिटिक एसिड को मिथाइल अल्कोहल से किस तरह से ऑब्टेन करेंगे, प्राप्त करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो देखिए CH3OH, इसका जो कॉमन नेम होता है मिथाइल अल्कोहल होता है और IUPAC नेम होता है मिथेनॉल। इसको आप कहां लेके जाओ, CH3Cl के पास। अब इसका कॉमन नेम क्या होता है, मिथाइल क्लोराइड, और IUPAC नेम होता है क्लोरोमीथेन। और इसको आप पूछाओ कहां पर, CH3Cn के पास। अब इसको हम कह देंगे हैं एसिटोनाइट्राइल, और इसका कॉमन नेम होता है मिथाइल साइनाइड, और IUPAC नेम होता है इथेन नाइट्राइल। अब इसके बाद आप कहां पहुंचोगे, CH3COOH, जिसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड, और इसका IUPAC नेम क्या होता है, इथेनोइक एसिड होता है। तो अब आपने क्या देखा कि अगर हमें मिथाइल अल्कोहल से एसिटिक एसिड को ऑब्टेन करना है तो हमें इतने स्टेप से गुजरना होगा। तो फिर हमें डिफरेंट रिएजेंट की जरूरत होगी, जैसे कि अगर हम मिथाइल अल्कोहल से मिथाइल क्लोराइड में जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। अब यहां से यहां जाना चाहते हैं तो हमें कौन सा रिएजेंट लेना होगा, और यहां से यहां जाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। देखिए, आपको पता होगा कि जैसे कि हमने मिथाइल अल्कोहल से मिथाइल क्लोराइड पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसमें आपको हमने मिथाइल अल्कोहल से मिथाइल क्लोराइड ऑब्टेन करने के 4 मेथड्स आपको समझाए। वहां पर उनके कॉमन नेम, उनके IUPAC नेम तो आपको समझाया ही है, साथ में आपको उनकी वो रिएक्शन किस तरह से होगी, उसकी क्या ट्रिक होगी, वो भी मैंने आपको वहां पर समझाया। और आपको ये भी बताया कि जैसे आप मिथाइल अल्कोहल से मिथाइल क्लोराइड को ऑब्टेन कर सकते हो, इसी तरह से आप इथाइल अल्कोहल से इथाइल क्लोराइड को किस तरह से ऑब्टेन करेंगे। तो आप सर्च कर सकते हैं और जा सकते हैं, देख सकते हैं कि मिथाइल अल्कोहल इनटू मिथाइल क्लोराइड STR क्लासेस। तो चलिए, अब मिथाइल अल्कोहल से मिथाइल क्लोराइड हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, वो वीडियो आप जरूर देखें जिसमें मैंने आपको 4 मेथड समझाए हैं। मिथाइल अल्कोहल इनटू मिथाइल क्लोराइड सर्च करके आप देख सकते हैं। यहां पर केवल हम आपको एक रिएक्शन करके दिखाएंगे इसकी। तो यहां पर चलिए ले लेते हैं लुकास रिएजेंट के द्वारा। भाई लुकास रिएजेंट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को हम लुकास रिएजेंट बोलते हैं। क्लियर, चलिए उसके द्वारा यहां पर रिएक्शन करते हैं। ये आया आपका कॉन्सेंट्रेट HCl और ये आया आपका एनहाइड्रस ZnCl2। चलिए यहां पर देखिए इस बात को, CH3OH+, अब हमने यहां से लिया HCl। अब ऐसे करिए आप, यहां से H और यहां से OH, तो क्या निकल जाएगा, यहां से H2O। तो बाय प्रोडक्ट आपको क्या ऑब्टेन होना है, H2O। और बचा क्या यहां से, देखिए CH3 यहां से और इसको Cl को लिया ये इधर को, तो बन जाएगा आपका CH3Cl। क्लियर, अब देखिए यहां पर है CH3Cl और ये है आपका CH3CN। यहां पर Cl को हटाना है और CN को लेकर आना है, तो हम क्या करें, देखिए आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर हमें ऐसा करना है तो हम यहां पर क्या ले लें, पोटेशियम साइनाइड ले लें। क्लियर, यहां से क्या हो जाएगा, KCl यहां से निकल जाएगी और बचेगी क्या, CH3, और यहां से क्या बचेगा, CN। तो ये क्या बन गया आपका, मिथाइल साइनाइड। तो आपने समझ लिया, क्या समझ लिया कि हम यहां पे लेंगे पोटेशियम साइनाइड और यहां से KCl यहां से निकल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, जब आप CN देखें और वो काय में जा रहा हो COOH में, तो मैंने आपको कितनी बार ये बताया है कि आप वहां देखो तो क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। अब हाइड्रोलिसिस चाहे आप एसिडिक मीडियम में करो या बेसिक मीडियम में करो, आपको आपका प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए हम यहां पर कर लेते हैं क्या, एसिडिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस। तो H2O लिखिए और यहां करिए H पॉजिटिव। अब इस रिएक्शन को भी समझते हैं किस तरह से हुई है। देखिए CH3CN और आप यहां पर 2 मोल्स लीजिए किसके, H2O के, जल के, वॉटर के। यहां से देखिए ये मैंने क्या करा इसको, और साथ में यहां से एक हाइड्रोजन ले लिया। क्लियर, देखिए क्या बनेगा, N बना और कितने हाइड्रोजन, 1, 2 एंड 3, तो ये क्या बन गई, NH3। अब देखिए जो बचा उसको लिखिए, यहां से CH3 और क्या बचा, C,
क्लियर, यहां से क्या बचा ओ और यहां से क्या बचा ओ एच, और ये क्या बन गया आपका एसिटिक एसिड। क्लियर, तो इस तरह से आपने क्या सीखा कि हम मिथाइल एल्कोहल से एसिटिक एसिड को कैसे ऑब्टेन करेंगे। क्लियर फ्रेंड, एक बात और याद रखिए कि भाई मिथाइल क्लोराइड से एसिटिक एसिड ऑब्टेन करने के दो मेथड्स जो मैं आपको पहले ऑलरेडी समझा चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर सर्च कीजिए मिथाइल क्लोराइड इनटू एसिटिक एसिड बाय एसटीआर क्लासेस, तो आपको वहां पर ये वीडियो मिलेगी, उसको भी देखिए, बहुत कुछ मैंने वहां समझाया है आपको। और मिथाइल क्लोराइड से एसिटिक एसिड ऑब्टेन करने के टू मेथड को आपको समझाया। साथ में मैं ये भी बता दूं कि मैं क्या नाम मिथाइल साइनाइड से एसिटिक एसिड पर एक सेपरेट वीडियो भी आपको आपके लिए बना चुका हूं, उसको भी आप देखिए। तो आज आपने क्या सीखा, आज आपने मिथाइल एल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाना सीखा कि हम किस तरह से एसिटिक एसिड को ऑब्टेन कर सकते हैं मिथाइल एल्कोहल से। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कैसे लगी हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।